पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। लाइट बॉक्स आपने करना क्या है, पहले बॉक्सेस बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पे HTML5, यहाँ पे हमने क्या करा, एक कंटेनर बनाया, इसके अंदर हमने चार पांच बॉक्स ले लिए। एक नई CSS देते हैं, एक कंटेन बॉक्स दिया हमने विद इनको दे दी 30%, हाइट दे दी 250 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और लिंक करा लेते हैं लिंक CSS style.css। और यहाँ पर हमने क्या करा, ऐसे कई सारे बॉक्सेस बना रखे थे, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर दे रखा था डिस्प्ले फ्लेक्स, मार्जिन 10 पिक्सल, रन करके देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने लिख दिया इसके अंदर फ्लेक्स रैप रैप, इससे क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे आ गए। ठीक है, और फ्लेक्स अब इसमें लिख दिया मैंने अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में आ गया, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बस। तो बॉक्सेस बन गए हमारे इस तरीके से। ठीक है, आपने क्या करना है, अब इसमें कुछ इमेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। ये कुछ इमेज ले ली मैंने, वैसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पे डी ड्राइव में, क्या नाम था हमारा इसका, लाइट बॉक्स। इसके अंदर मैंने, अरे वाह ये पढ़िए, पहले तो इमेजेस इमेजेस ले ली, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें मैं इमेज डाल देता हूँ IMGSRC1.png with 100%, height 100%, cover IMGSRC2.png with 100%,
800%। ठीक है, ऐसे में सब में इमेज डाल देता हूँ इस तरीके से। हाँ हुआ। अब हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे सारी इमेजेस आ गई इस तरीके से। ठीक है, मैं चाह कह रहा हूँ इस पे जब यूजर क्लिक करे ना तो ना स्ट्रेचिंग हाँ स्ट्रेच हो गई है। मैंने हाइट नहीं दे रखी है, मैं हाइट दे रहा था, होता हाइट दे रहा था। कर ठीक है, ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ इस पे क्लिक करने पे ना ये इमेज बड़ी होके आ जाए। ठीक है, दो। क्या लगा सकते हैं? तो आप क्या करो ना, यहाँ पे ना IMG से पहले AHREF लिख देना। ठीक है, इस ए को ना यहाँ पे बंद कर देना इनसे और इसमें लिख देना इसका नाम 1.png। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अभी ना आप ये चेक कर लेना, क्लिक करने पे ये आनी चाहिए इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ उसी के ऊपर के ऊपर ओवरलैप करके आए। तो आपने ना इसके डबल कोट्स के बाद लिखना है डाटा हाइफन लाइट बॉक्स इज इक्वल टू इसका नाम कुछ भी रख देना। तो मैंने इसका नाम गैलरी दे दिया। ठीक है, बस इतना करना है हमें। अब आना है हमें जो हमने डाउनलोड करी थी फाइल, आपको जाना है अब इतना करने के बाद गूगल पे और सर्च करना है लाइट बॉक्स। यहाँ पे लाइट बॉक्स पे क्लिक कर देना, ये गिटहब पे क्लिक करना, यहाँ से इस पे क्लिक करना कोड पे, ये डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, ये फाइल को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद शो इन फोल्डर किया मैंने और इसके अंदर हमारे पास ये वाली फाइल हमारी SRC के अंदर, ये SRC के अंदर जाना है कि तीनों फोल्डर कॉपी कर लेते हैं। फोल्डर कॉपी करने के बाद इसको कहाँ ले जाना है, हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। हो गए पेस्ट। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे लिंक कराना है क्या, ये फोल्डर को ना कॉपी करना है कहाँ से, ये जो डाउनलोड करोगे SRC के अंदर तीन फोल्डर में लगे हैं CS, हाँ CSS इमेजेस और JS, इन तीनों को उठा के ना अपने फोल्डर में रख देना है। अब कॉल करानी है फाइल को, लिंक HREF इक्वल्स टू फाइल का नाम, तो फोल्डर का नाम क्या है CSS/lightbox.css, ये कॉल करा लेनी है। रिलेशन स्टाइल शीट, इसके बाद कहाँ जाओगे, नीचे जावा स्क्रिप्ट लगाने, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना, SRC लिखना, JS/lightbox.js। इतना करने के बाद आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है, ये सारे स्टेप लिख लेना जैसे मैं बता करवा रहा हूँ।
आपने सर्च करना है jquery.com, यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये URL मिलेगा, इसको कॉपी कर लेना और इसको ना यहाँ पे पेस्ट कर देना, इससे ऊपर पेस्ट करना, ये इस वाले लिंक से ऊपर पास। हाँ अब चेक करते हैं हम, हमारा कहाँ है डिजाइन, मेरा क्लिक करा, ये देखो आया समझ में, ये देखो कहाँ से कहाँ समझो, कौन सा ये डाउनलोड जो किया है। हाँ जी। ये चलो चेक कर लेते हैं, चलो चलो यहीं से कराओ ना, सोचो ये चीज तो चीज समझ में आ गई ना, बॉक्स डाला था, इमेज लगाई थी, ऐसा करके इमेज लगाते हो, डाटा हाइफन लाइट बॉक्स लिखना है और यहाँ पे गंदी जो भी नाम दे देना है, ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम आएंगे क्या, सबसे पहले हमने जो डाउनलोड कर रखी थी फाइल jQuery, ये लाइट बॉक्स, इसमें जाना, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे src नाम से फोल्डर मिलेगा, इसमें css, इमेज और जावास्क्रिप्ट तीनों को कॉपी करना है और तीनों को कहाँ पे पेस्ट कर देना है, इस फोल्डर में पेस्ट कर देना है अपने फोल्डर में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आप आ जाएंगे कोडिंग के ऊपर, तो कोडिंग में आने के बाद हमने क्या करा, पहले इनको लिंक लगा देना, तो पहले मैंने लिंक लगाया css, यहाँ पे हमारा फाइल का नाम क्या था, css/lightbox.css, ये कॉल करा ली, यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉल कराई, स्क्रिप्ट src js/lightbox.js, फिर jQuery चाहिए हमें, तो jQuery के लिए आपने गूगल पे चले जाना है, तो jQuery cdn डाल देना, अपने आप ही आ जाएगा cdn, jQuery cdn डाल देना गूगल पे जाके, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, ये देखो एक URL आ जाएगा, ये रहा, अनकंप्रेस पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी करके अपने यहाँ पे जहाँ ये लगाया था वहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, अब बस चेक करना है आपने, तो देखो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, ये ओपन हो के आ रहा है इस तरीके से, इसे इसकी पोजीशन हम css करके सेट कर सकते हैं, हमें इंस्पेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी क्लास यूज हुई भी है। तो यहाँ पे देखो ये पोजीशन एब्सोल्यूट लगी हुई है, लेफ्ट 0 लगा हुआ है, अगर मैं लेफ्ट को यहाँ से मूव कराऊंगा, यहाँ से मुझे पोजीशन चेक ये चेक करना पड़ेगा कौन सा डिव है, ये लगा होगा, इंस्पेक्ट करते ही है ना, हमारा होता है कंट्रोल शिफ्ट आई से, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई से, तो हम ऐसे सी एस एस ढूंढेंगे इसकी, फिर हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं, समझ में आया, अभी एक पे ही आ रहा है। हाँ हाँ इसको ही मूव करा सकते हैं, तो अब मुझे पर दूसरे पे भी चाहिए, तो क्या करेंगे, अब दूसरा वाला इमेज कहाँ है, ये रही, हमने क्या करा ahref=2.png और यू बंद कर दिया, और यहाँ पे क्या लिखे कि data-lightbox और गैलरी सेम रखना है, और ए को क्या करेंगे यहाँ से इसके बाद बंद कर देंगे, अब देखते जरा, तो देखो इसके ऊपर भी आ गया होगा, और एक और चीज़ आ गई होगी, होवर ले जाओगे तो इधर जाने का भी ऑप्शन आ गया होगा, ठीक है, इधर जाने का ऑप्शन आ गया, पर तीसरे पे जाने का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि तीसरे पे मैंने लगाया नहीं, ठीक है। एक ही बार लगेगा 3.png
डाटा हाइफन लाइट बॉक्स गैलरी, और ये ए कहाँ बंद होगा, ए बंद होगा इसके बाद यहाँ पे, तो तीसरे पे भी लिंक लग गया होगा, ये लग गया, ये देखो ये देखो ये देखो, आगे समझ में। अगर इन केस आप क्या करोगे कि अगर आप इसका नाम चेंज कर दो, गैलरी थ्री कर दिया, तो भी देखो काम कर रहा होगा ये, पर इधर शिफ्ट करने का ऑप्शन चला गया, सेम नहीं है। तो अगर सेम नाम रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, आप आपस में कनेक्ट कर पाओगे, तो ये पूरी गैलरी बन जाएगी, फिर देखो आपस में कनेक्टेड बन जाएगी, ठीक है। अगर नाम सेम नहीं हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक है। प्लगइन सही है ना, ये हमारा काम आता है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, पोर्टफोलियो का सेक्शन, गैलरी का सेक्शन बनाना, तो आप ये बना, ये यूज करोगे। अगर डाटा लाइट बॉक्स नहीं यूज करोगे तो ऐसा होगा, ट्रांजिशन का टाइम भी वो कर सकते हैं डिलीट। ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, क्यों नहीं काम कर रहे, वो क्यों नहीं काम कर रहे, इसमें ये क्यों नहीं आ रहा, ये तो ये अच्छा गैलरी दे रहा है ना, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा ओरिजिनल अपनी वो लेके चलते हैं, हाँ बाकी सब बदल देगा, क्या चीज, ऐसे 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 ही हो जाएगा बाकी सारे, ठीक है, समझ में आया ना। ये आपने इमेज कहाँ से निकाली, कौन सी इमेज, ये पोर्टफोलियो है सबका बच्चों का, ये हाँ ये बना रखा है इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर को कौन का सोल जाता रहता है आपके स्टूडेंट सर, ये एड वाली इमेज भी क्या, एड वाली इमेज, हाँ ये इमेज ना नाम गलत हो गया होगा इमेज का, 12.png 12.png jpg है, आगे समझ में। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर होवर लेके जाऊं तो इसके ऊपर ना इसके बारे में भी लिखा आ जाए, ठीक है, देखते कैसे आ पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कर देंगे ना इसको फिल्टर लगा दे फिर इसके ऊपर लिख देंगे होवर जाने पे। मैंने क्या करा, पहले वाले पे लगाते हैं, पहले ये वाले पे, ठीक है, इसका नाम रखा मैंने डॉट इनर बॉक्स, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो हमारा इनर बॉक्स है, वो कहाँ आएगा, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, ठीक है, और इसे रखूंगा मैं कहाँ पर, इसके अंदर। तो इसका नाम क्या रखा मैंने, इनर बॉक्स, इसमें लिखी मैंने इसकी विड्थ 100%, इसकी हाइट रखी मैंने 100%, इसका लेफ्ट लिखा मैंने 0, टॉप रखा मैंने इसका 0, और मैंने बॉक्स में बोल दिया पोजीशन रिलेटिव, मतलब इससे रिलेट करके काम करेगा, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका काला,
आ गया ये, समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर ही आ गया ये। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके ऊपर हाथ, इसके ऊपर हाथ लेके जाऊं, हैंड लेके जाऊं तो क्या हो जाए, ये शो हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसको डिस्प्ले नन कर देना, तो ये गायब हो गया। अब आप यू लिखोगे कि डॉट इनर बॉक्स पे होवर ले, नहीं सॉरी, डॉट बॉक्स के ऊपर होवर ले जाने पे ये साइन लगेगा, डॉट इनर बॉक्स डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। इसका मतलब होता है इनसाइडर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। समझ में आया ये चीज, ऐसे वो बजाने पे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आ रहा है, पर ये एक दिक्कत हो गई, इस पे क्लिक करने पे वो खुल ही नहीं रहा क्योंकि ये ऊपर आ गया है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ना नहीं, हम ना इनर बॉक्स के ऊपर भी AHREF करके और ऐसे लिंक लगा देंगे, तो उसमें लिख देंगे यही सेम चीज, 1.png और data-lightbox-gallery। इससे क्या हुआ, यूजर यहाँ पे भी क्लिक करेगा ना तो भी ये खुल जाएगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा। क्या ये वाली इमेज में, क्या पेन टूल हुआ जिस पे भी हुआ, यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। अरे ये क्लास दिया ना इनर बॉक्स में होगा, मैं लगाना पड़ेगा वो तो। ठीक है, ये चलो, यानी क्लिक करने पे तो अभी एकदम से तो आया था, क्लिक करने पे तो ये ओपन हो रहा है, पर मुझे ना ये दिखाई नहीं दे रहा अभी, तो क्या किया जाए इसके लिए, मतलब इसके मतलब क्या हुआ, कमांड चेंज होनी हो गई होगी, क्योंकि हमने क्या करा, हमने इसमें पहले ए को लेके आए फिर डिब लेके आए, तो मैं यूं लिखूंगा आपकी बारी कि बॉक्स के अंदर ए है, उसके ऊपर होवर जाने पे इनर बॉक्स खुल जाए। तो अब चेक करते हैं, अब काम कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा, यानी बॉक्स के अंदर होवर जाने पे जो है ए जो है, हाँ अब हो रहा, ये देखो। ठीक है, देखो पहले क्या कर रहा, होवर जाने पे ये आया, जैसे ही क्लिक किया ये खुल गया। ठीक है, मैं इस पर कुछ लिख देता हूँ, आ रहा। ठीक है, सेंटर में लिया था इसको, तो यहाँ लिखा मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक ही चीज काम करेगी, लीजिए थे फिर टेस्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट 400 पिक्सल। लाइन हाइट ना देते, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ऊपर से, ऊपर से पैडिंग देनी है मुझे 100 पिक्सल और 0। हाँ ये चलो, ये रख लो आगे।
ठीक है, ओपेसिटी में इसकी कम कर लेता हूँ। हाँ बड़ा हो सकता है, कौन कौन चीज है, ये देखो ये लिखा आ रहा है इसे, ठीक है। ओपेसिटी मैंने क्या करी है, कम कर ली थोड़ी सी, लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करने पे क्या हो गया, ये और ऐसे सेट हो गया, ठीक है। अब बस मुझे ज़्यादा कुछ कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब बस मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन कॉपी करूँगा और ये दूसरे में भी डाल दूँगा, इस वाले में डाल दिया, दूसरे में भी सेम काम कर रहा होगा, पहले में भी सेम काम कर रहा है, दूसरे में भी सेम काम कर रहा है, इस पर खुलूँगा तो ये इमेज चेंज कर देंगे, समझ में आ गया ना। तो ये वाला गैलरी आपकी इस तरीके से पूरी बन जाएगी, थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना कलर वलर देके, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे सेट हो गया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा इस तरीके से गैलरी। तो अब पता है आप लोगों ने क्या बनाना है, आप लोगों ने अपना एक रिज्यूम बनाना है, एक रिज्यूम बनाना है अपना HTML CSS पे, दिखाता हूँ कैसा बनेगा, सिंपल बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अपने बारे में डालना है, ऐसा कुछ CV डाउनलोड करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्टिमोनियल हो गए, ठीक है, इस तरीके का। पोर्टफोलियो में गए, पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो पोर्टफोलियो में ना लाइक तुम्हारा ना फोटो आ जाएगी इस तरीके से, पोर्टफोलियो में तुम्हारी फोटो आ जाएगी, ये ऐसी रहने देना क्या, और क्लिक करके बड़ा करा देना, ठीक है। ये वेबसाइट सही लग रही है, सही लग रही है डिजाइन तो, सिंपल सा भी है, ऐसे 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 स्लाइड करके आ रहा है, अच्छा सा लग रहा है। एक ये ट्राई करना तुम्हें, ठीक है, बन जाएगा ये, ठीक है, भले एनिमेशन मत डालना, इसी तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करनी है। तो एक पेज तो ये डिजाइन करना है तुमने, ये पता है कैसे होगा, ये पता कैसे होगा ऊपर जाने पे एनिमेशन एनिमेशन लगा देंगे और टॉप कर देंगे, टॉप कर देंगे माइनस में, हाँ ठीक है। इस पे ट्रांसफॉर्म लगा रखा है जी। रिज्यूम में गए तो रिज्यूम में ऐसा रिज्यूम बना हुआ है, पोर्टफोलियो में गए तो पोर्टफोलियो का सेक्शन ये दिखा रखा है, ब्लॉग का सेक्शन कैसा है, ब्लॉग का सेक्शन ऐसा बना हुआ है और कॉन्टेंट का सेक्शन ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो एक पेज हमें यही बनाना है, तो पहले तो तुम ये वाला आज कर लेना गैलरी वाला, तो कल से मैं यही बनाऊंगा और इसी में ही पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये पूरी वेबसाइट 5 पेज की वेबसाइट में बना देगी, ठीक है, फिर CSS खत्म हो जाएगी, एक ग्रिड सिस्टम और बताना था मुझे वो हो जाएगा, फिर उसके बाद हम ना यही चीज़ बूटस्ट्रैप पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 5-6 क्लास अभी रखेंगे हम CSS की, इसके अंदर मैं जितनी भी क्लासेस अभी है वो सारी बता दूंगा, ठीक है, और ये पूरी बना लेंगे। और फिर मैंने बना के छोड़ दिया, यही नहीं तुम्हें भी बनानी है फिर, ठीक है।